देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। गाजियाबाद में मतदाताओं के लिए आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां इस मतदान केंद्र को फूलों से सजाया गया है, साथ ही इसमें कारपेट भी बिछाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां मतदाताओं को जो अपना वोट डालने के लिए आए हुए हैं, उनको गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया जा रहा है। इसके साथ ही यहां पर मेडिकल डिस्पेंसरी और अपाहिज लोगों के लिए व्हील चेयर का भी इंतजाम किया गया है। इस संबंध में जब हमने अपने मतदाताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का पर्व है और यह पहली दफा गाजियाबाद में हो रहा है कि आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है और गुलाब का फूल देकर वोटर्स को सम्मानित किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकुन हरित है। शकुन जी, हमारा सवाल है, 2019 लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान का लोकतंत्र का उत्सव जिसको कहते हैं हम, वो है, आप वोट डालने के लिए आए, क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, पूरी कोशिश करिएगा, आइए और वोट जरूर दीजिएगा। अपने जो आपका अधिकार है उसका पूरा पूरा इस्तेमाल कीजिए और आइए वोट दीजिए। अच्छा, ये जो आज हम देख रहे हैं गाजियाबाद में, पहली दफा ऐसा देखने को मिला है कि वोटरों को गुलाब के फूल दिए जा रहे हैं, समझ के जा रहे हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छी ऐसी फीलिंग आ रही है कि आ रहे हैं तो एक बड़ा अच्छा सा वार्म वेलकम हो रहा है, वोट देने आए हैं। शारदीय नवरात्र के साथ साथ ये जो चैत्र नवरात्र चल रहे हैं, इसके साथ साथ वोट का जो एक उत्सव मनाया जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।